आगे बढ़े और बिहार इंडिया तक खेले और बिहार के नाम रोशन करे। पहले भी कर चुका है, अभी भी करे बिहार के नाम। हम तो पूरा सोच रहे हैं कि एकरो से आगे निकलो और आगे खेलो और आगे की तरफ बढ़ते चलो। बचपन के शौक ने आज शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मोतिहारी के एक युवा खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसके बाद जिले भर में खुशी का माहौल है। घर के लोग तो फूले नहीं समा रहे। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि मोतिहारी नगर के अगरवा मोहल्ले के रहने वाले क्रिकेटर शकीब उल गनी की, जिसकी चर्चा इन दिनों हर ओर हो रही है। जिन्होंने मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में शानदार 341 रनों की पारी खेली है। मेरा लाल आगे बढ़े और बिहार इंडिया तक खेले और बिहार के नाम रोशन करे। पहले भी कर चुका है, अभी भी करे। बहुत अच्छा से रह रहा था। वो 8 साल के उम्र से खेलने लगा, स्कूल ड्रेस पहन पहन के जा रहा था खेलने। पढ़ाई छोड़ करके भाग भी जाते खेले? ना, पढ़ाई करके आके जाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेले? पढ़ाई के टाइम में नहीं खेले। भविष्य ला क्या दुआ देवे चाहते हैं? दुआ देवे के चाहते हैं जो और आगे बढ़े, अच्छा खेले। सकीबुल ने 8 साल की उम्र में पहली बार बल्ला थामा था। मोहल्ले के बच्चों के साथ ही वे क्रिकेट खेलते थे। बाद में मोतिहारी के 11 स्टार क्रिकेट क्लब से उसने अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उसने कभी मुड़ कर पीछे नहीं देखा। अच्छा खिलाड़ी हुआ, खेले में तो अच्छा मन लगाता है लगाएला, मगर अच्छा खेले और अच्छा के तरफ आगे निकलते जाए। हम तो पूरा सोच रहे हैं कि एकरो से आगे निकलो और आगे खेलो और आगे की तरफ बढ़ते चलो। कब से ही खेल रहे थे? 2012 से खेल रहा है। कहाँ कहाँ खेले हुए? फिर मोतिहारी में मैच चौकत रहा तो ही में खेलत रहा, और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट के हुआ, डिस्ट्रिक्ट में भी खेला, तिरहुत में हुआ, तिरहुत में भी खेला, उसके आगे तरफ निकलते बिहार स्टेट में भी खेला, 60, 70, 90, 23। सकीबुल के बड़े भाई फैजल गनी खिलाड़ी रहे हैं। फैजल ने सकीबुल को क्रिकेट की बारीकियों को सिखाया है। फैजल कहते हैं कि जिले में खेल का कोई बढ़िया मैदान नहीं है, अगर खेल मैदान मिल जाए तो जिले से न जाने कई सकीबुल निकल सकते हैं। स्टेट प्लेयर हूँ और डीजी ट्रॉफी का कैप्टन भी रहा हूँ 2017-18 में, और मैंने उसको बचपन से ही खिलाया, देखा कि अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, आगे खेल सकता है। तो मैंने बहुत सारा मेहनत किया अपने को बैक करके उसको आगे सोचे बढ़ाने के लिए, और आज वह मुकाम हासिल भी किया। आगे क्या आगे ये तमन्ना कि ऐसे ही खेलते रहे, रन करे, बिहार के लिए करे, इंडिया के लिए मौका मिले, इंडिया के लिए खेले, आईपीएल खेले, बस यही तमन्ना हम लोगों की। सरकार के तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोतिहारी जिला प्रशासन की तरफ से, मोतिहारी जिला प्रशासन और डीएम सर से हम लोग को एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के पास कोई ग्राउंड नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत से खेलते हैं, लोग खुद का ग्राउंड बनाए गांधी मैदान में, कोई सुविधा नहीं है हम लोग के पास, फिर भी एक लड़का निकला, एक दो लड़का निकल रहा है यहाँ से, अच्छा ही है। अगर हम लोग को फैसिलिटी मिलेगा तो और भी लड़का निकलेगा यहाँ से। सकीबुल ने पहली सफलता हासिल की है, अभी उसे और आगे जाना है, इंडियन जर्सी भी पहननी है। हालांकि सकीबुल की सफलता जिले के खिलाड़ियों में एक हौसला जरूर पैदा कर दिया है, और अब उम्मीदें भी हैं कि जिले के दूसरे खिलाड़ी भी सकीबुल जैसी सफलता हासिल करेंगे। मोतिहारी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको सकीबुल की कहानी और उनकी सफलता से क्या प्रेरणा मिलती है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।